महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष और तुड़ीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। एक मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6-6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15-15 दिन 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास बस। अंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न, दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणि महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव, अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं, दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कैसे शांत करें, वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्र वाले इन महर्षियों की, जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों, मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोक लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणि देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया, दिव्य कांति, धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को, आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा एक विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, अय शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी तुझे मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तू बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका, अय वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण, वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा।